हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहां से एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दें, उसके बाद इसके थ्योरी को हम लोग देखेंगे। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन एनटीपीसी के प्रत्येक पाली में आपका एक एक पूछा गया है, तो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बेसिस पे उन सभी का थ्योरी देखेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ताकि इसके बाद अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको जरूर बना सके। तो आइए सबसे पहले इसके थ्योरी को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू अगर दे रखा हो सी, और तब आपसे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का वैल्यू पूछ दे। अब इसके बीच के रिलेशन को आप गौर से समझिएगा। यहां देखिए, साइन थीटा का कॉफिशियंट ए है और कॉस थीटा का कॉफिशियंट बी है। कॉफिशियंट मतलब कि गुना में, कॉस के गुना में क्या है, बी है। अब जब आप नीचे आइएगा जहां पे वैल्यू पूछा है तो वहां पे उल्टा हो गया है। जो कॉस थीटा का कॉफिशियंट है अब किसके साथ आ गया है, साइन के साथ, और जो साइन थीटा का कॉफिशियंट था यहां पे देख लीजिए, यह किसका कॉफिशियंट है, साइन थीटा का था, वह किसके साथ आ गया है, कॉस थीटा के साथ आ गया है। तो हमेशा कॉफिशियंट भी आपका चेंज करेगा, जो साइन का कॉफिशियंट होगा उसको कॉस के साथ ले जाएगा और जो कॉस का कॉफिशियंट होगा उसको साइन के साथ ले जाएगा, और साथ में इसके बीच का चिन्ह भी बदलेगा। अगर ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, अगर ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। कहने का मतलब, अगर प्लस वाला देगा तो माइनस वाला पूछेगा और माइनस वाला देगा तो प्लस वाला पूछेगा। तो इस केस में देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका है कि इसका वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर इस ए का साइन का जो कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस का कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमेशा प्लस दीजिएगा, इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जो साइन का कॉफिशियंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस का कॉफिशियंट होगा उसका स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, जो इसके बराबर होगा वही इसका वैल्यू आपका हो जाएगा। क्या करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मान निकल जाएगा। या फिर मान लीजिए इसी का मान दे दिया, माइनस वाला का ही मान दे दिया और तब प्लस वाला का मान पूछ दिया, फिर भी हम लोग वही काम करेंगे। हम करेंगे साइन के कॉफिशियंट का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस कॉस के कॉफिशियंट का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, जो इसके बराबर में वैल्यू दिया जाएगा, और इसको अंडर रूट कर लेंगे, इससे हमें वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा प्लस वाला का। तो प्लस वाला दे माइनस वाला पूछे या माइनस वाला दे प्लस वाला पूछे, दोनों के लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस जो सामने वैल्यू देगा उसके स्क्वायर को माइनस कर लेना है, घटा लेना है। जैसे आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, यहां देखिएगा क्या है क्वेश्चन, यहां देखिए साइन थीटा के गुना में तीन है और कॉस थीटा के गुना में पांच है, बराबर में कितना है, पांच। अब प्लस वाला का वैल्यू दिया है, माइनस वाला का मान पूछा है, और कॉफिशियंट को भी देख लीजिए, यहां साइन के गुना में तीन, यहां कॉस के गुना में तीन, तो ऐसा तो रहेगा ही। तो इसका वैल्यू पूछ रखा है कि क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए स्क्वायर यानी कि तीन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पांच का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि पांच का स्क्वायर, ना जो बराबर में वैल्यू देगा उसको हमेशा घटा लीजिएगा, और उसके बाद करेंगे अंडर रूट। अब जब आप अंडर रूट करिएगा तो देखिए क्या होगा, पांच स्क्वायर यानी 25 प्लस में 25 माइनस में कट जाएगा, है ना। माइनस पांच का स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है, पांच का स्क्वायर अलग है। तो पांच का स्क्वायर यानी 25 प्लस में 25 माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा, तीन का स्क्वायर, और तीन का स्क्वायर नौ होता है, नौ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, नौ का वैल्यू आपका हो जाएगा तीन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा तीन। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिले आप उसको बना सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ दिया, फॉर्मूला क्या पूछ दिया, देखिए कॉस थीटा के गुना में क्या है ए, साइन थीटा के गुना में क्या है बी, और बराबर में क्या है सी, तो प्लस वाला का वैल्यू क्या होगा, तो जो कॉस के गुना में है उसका स्क्वायर प्लस जो साइन के गुना में है उसका स्क्वायर, और माइनस में जो इसके बराबर वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा, और चूंकि अंडर रूट कर रहे इसलिए प्लस माइनस तो इसके साथ होगा ही, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है, विकल्प सी है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आपका, विकल्प सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। यहां पे देखिए, यहां हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वास्तव में देखिए मामला होता क्या है कि यहां पे
ना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है सी, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का मान पूछा है, तो इसको अपने मन से हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं। अब इसके बीच के संबंध को हम निकाल लेते हैं कि संबंध क्या निकलता है, इसके बीच में रिलेशन क्या बनता है। तो रिलेशन देखिए क्या बनता है, दो इक्वेशन आपके पास हो गया, यह समीकरण एक है, यह समीकरण दो है। अब समीकरण एक और दो को आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर आप दोनों को वर्ग करके जोड़िएगा, जब दोनों को वर्ग करके जोड़िएगा तो इस तरफ से केवल क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दोनों को जब वर्ग करके इसको जोड़िएगा ना, तो बाएं तरफ यही बनेगा, आप वर्ग करके जोड़ सकते हैं, और बराबर दाहिने तरफ क्या बनता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का कोफिशियंट प्लस कॉस का कोफिशियंट, इसके वर्गों का योग इस दोनों के वैल्यू के वर्गों के योग के बराबर, यही संबंध बनता है। और यही वजह है कि इसका जब मान पूछता है, मतलब कि डी का मान पूछता है, तो सी स्क्वायर प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस का सी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकालना होता है तो अंडर रूट हम लोग करते हैं, यही कारण है। तो एक्चुअल में संबंध क्या बनता है इसके बीच, तो संबंध यही बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल संबंध आपका यही बनता है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए क्या है, एक्स का वैल्यू इतना दे रखा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू पूरा इतना दे रखा है और y का वैल्यू पूरा इतना दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कह सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वह इसके कॉफिशियंट के वर्गों के योग के बराबर। तो साइन का कॉफिशियंट पी स्क्वायर, कॉस का कॉफिशियंट क्या है, क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू वाई है, यही है ना, इसका वैल्यू आपका क्या है x और इसका वैल्यू क्या है y है। तो हम क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो इसके इसके वैल्यू के वर्ग और इसके वैल्यू के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहां देख लीजिए, यहां भी लगभग सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है ना, थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा का वैल्यू फाइव है, तो इसका मान क्या होगा, प्लस वाला दिया है माइनस वाला पूछ रखा है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे करेंगे तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, और हमेशा जो बराबर में वैल्यू देगा उसके स्क्वायर को माइनस कर लीजिएगा, अंडर रूट तो होगा ही, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस प्लस में माइनस पाँच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस माइनस में, पच्चीस में से पच्चीस माइनस करिए जीरो, और जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जीरो, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, रूट टू इंटू कॉस थीटा, देखिए पूरा वैल्यू है रूट टू इंटू कॉस थीटा, तो हमसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछा है। इस बार देखिए साइन के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक तो एक का स्क्वायर, प्लस कॉस के गुना में क्या है, कुछ नहीं है, एक तो एक का स्क्वायर, माइनस जो बराबर में, तो बराबर में इस बार वैल्यू क्या दे दिया, बराबर में वैल्यू दे दिया रूट टू कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर, यही तो करेंगे ना, रूट टू कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट, बराबर में जो वैल्यू दे देगा है ना, उसका हम लोग स्क्वायर करके घटा लेंगे। साइन थीटा के गुना में कुछ नहीं तो एक, कॉस के गुना में कुछ नहीं तो एक, और बराबर में सी, सी का पूरा इतना वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही तो करते हैं, इसी से इसका मान निकलेगा ना, साइन प्लस कॉस का मान दिया है, माइनस वाला का मान पूछा है। अब आप करो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, तो एक और एक दो, तो यहाँ पे हो गया माइनस रूट दो का स्क्वायर, तो दो हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट रहेगा। इस दोनों में से देखिए दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एक बचेगा, और यहाँ से दो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, रूट अंडर है तो रूट अंडर रहेगा। आगे देखिए, आगे दो है तो दो इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह होता है साइन स्क्वायर थीटा, यह बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा दिए, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट टू हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर है दो साइन है तो एक साइन बाहर निकल जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या गया, रूट टू इंटू साइन थीटा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ कॉस थीटा का कोफिशियंट क्या है, दो है, उसके बाद साइन साइन थीटा का कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, सी का वैल्यू क्या है, एक बट्टा रूट दो है, और सेम चीज पूछा है, देख लीजिए यहाँ पे कोफिशियंट बदल के प्लस में वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो ए के जगह दो, तो दो का स्क्वायर,
प्लस इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है एक, तो एक का स्क्वायर माइनस जो बराबर में वैल्यू देगा उसका स्क्वायर तो माइनस करते हैं ना, तो बराबर में वन बाई रूट टू है तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर माइनस करिए, अंडर रूट करिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछे, माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछे, यही फॉर्मूला अपनाना है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर दो, दो और दो, दो का स्क्वायर चार, तो चार और एक पाँच, पाँच माइनस एक बट्टा रूट दो का स्क्वायर दो होगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट करिए। पाँच दूना दस, दस में से एक माइनस करिएगा नौ, नौ बट्टा कितना नौ बट्टा दो हो जाएगा, रूट है तो रूट, नौ का वर्गमूल निकल जाएगा तो ऊपर में तीन होगा और दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट दो हो जाएगा, यानी तीन बट्टा रूट दो, यह आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ही क्वेश्चन था और इतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आगे जाए उसको आप बड़े आराम से देख करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वापस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।